हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रीताज फैमिली किचन में। आज हम वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस मिठाई बनाएंगे, गुड़ के रसगुल्ले। देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रसगुल्ले के लिए छेना तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। आप चाहे तो टोन दूध भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह एक उबाल आने देंगे। इसके बाद गैस बंद कर दें। अब डालेंगे 3 से 4 चम्मच विनेगर। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लगातार इसे चम्मच से चलाएंगे। करीब 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी और छेना अलग हो गया है। छेना से पानी को अलग कर लें। मैं यहाँ इसे छन्नी में डालूंगी। आप छन्नी की जगह मसलिन क्लोथ भी यूज कर सकते हैं और ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे ताकि विनेगर सारा निकल जाए। छेना से पानी को अच्छी तरह निकाल लें और करीब 15 मिनट रेस्ट करने दें। देखिए छेना रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और 1 चम्मच सूजी डालेंगे। इसके बाद हमें छेना को अच्छी तरह मिलाना है। करीब 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि छेना स्मूथ और सॉफ्ट हो गया है। अब इसके छोटे छोटे लोई काट लें और एक एक करके रसगुल्ले के लिए बॉल्स बना लेंगे। छेना को प्रेस करते हुए एक स्मूथ सा बॉल बना लेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, रसगुल्ला कहीं से फटा नहीं होना चाहिए, वरना ये चाशनी में फटकर अलग हो जाएगा। सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। 1 किलो दूध में आप करीब 9 से 10 रसगुल्ले बना सकते हैं। चलिए अब गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 3 कटोरी पानी डालेंगे। पानी जब गर्म हो जाए हम इसमें 2 कटोरी गुड़ डाल देंगे और 1/2 चम्मच कुटी हुई इलायची डालेंगे। अब इसे ढककर हाई फ्लेम पर एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। अब हम छेना के बॉल्स को इस गुड़ की चाशनी में डाल देंगे और ढककर स्लो फ्लेम पर करीब 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट बाद आप देखेंगे छेना के बॉल्स साइज में डबल हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट और स्पंजी भी। गुड़ के रसगुल्ले तैयार है। इसे ठंडा करके सर्व कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।